नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जिसको जानने के बाद शायद आप मार्केट अगर गिरेगा तो डरोगे नहीं। मुझे बहुत आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे पूछते भी है कि विजय आप ऐसे वीक मार्केट में स्ट्रांग स्टॉक कैसे ढूंढ लेते हो, जब भी आप कोई भी स्टॉक बोलते हो तो उसके बाद वो स्टॉक में एक अच्छी रैली आ जाती है, तो क्या इसका रीजन क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसका लॉजिक शेयर करने वाला हूं और आप लोगों को वो स्टॉक की वॉच लिस्ट कैसे बनानी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो बेसिकली पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को नोटिस किया होगा कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज पे चल रहा है, उसके बाद वो 100 से 200 हो जाता है, तो वो टाइम पे जब वो 200 होता है ना, तब हम लोग में से बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर ध्यान होता है। बट जब वो 200 से 150 होता है या जब वो 200 के पास थोड़ा कंसोलिडेट करता है और वापस से 3-4 महीने के बाद वही स्टॉक 200 से वापस 400 भी हो जाता है, बट जब वो कंसोलिडेशन वाला टाइम होता है या फिर आप बोल सकते हो कि जब वो कंसोलिडेशन वाला पीरियड होता है या फिर वो स्टॉक थोड़ा बहुत और गिरता है, वो टाइम पे वो स्टॉक को कोई भी नहीं देखता है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को सिंपल मतलब लैंग्वेज में बता दूं ना, इसका सिंपल रीजन ये होता है कि साइकोलॉजिकली हम लोगों को वो चीज़ वो टाइम पे पसंद नहीं आती है जब वो चलती नहीं है या तो फिर कंसोलिडेट करती है। हम लोगों को वही सब स्टॉक पसंद आते हैं जो बहुत अच्छे खासे मूविंग में रहते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है, जब वो स्टॉक 100 से 200 हुआ, तब अगर वो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे आपने डाल दिया होता तो शायद आप 100 से 200 वाली रैली पे तो आपने पार्ट नहीं लिया होता। बट मैं आप लोगों को कंफर्म बोलता हूं, जब वो स्टॉक 200 से 300 होगा ना, वो रैली में आप, या 200 से 400 होगा, तो वो रैली में आप 100% पार्ट ले सकते हो। अब ये क्यों होता है, ये कैसा होता है और ये हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, यही सारी चीज़ मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग आइए मेरे स्क्रीन पे, पहले मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढना चाहिए। तो आप लोग जो यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये टाटा मोटर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहां पे देखो, मैं आप लोगों को जो 100 से 200 वाला एग्जांपल दे रहा था ना, वो क्या था कि टाटा मोटर कुछ टाइम पहले 300 रुपीज के आसपास चल रहा था, जब भी उसने ये एरिया को ब्रेक किया समवेयर अराउंड 360 से ऑलमोस्ट वो 530 तक हो गया था। अब क्या होता है ना कि ऐसे टाइम पे जब वो स्टॉक अच्छा खासा रन देता है तो सब लोगों का वो स्टॉक पे ध्यान जाता है। बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टाटा मोटर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी कुछ दिनों से टाटा मोटर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन वाले टाइम में क्या होता है ना, जितने स्टॉक में जो भी लोगों ने यहाँ पे ये स्टॉक को खरीदा है वो सब लोग एग्जिट हो जाते हैं। वो लोग सब ऐसे सोचते हैं कि यार जब ये 350 से 550 हो गया तब तो बहुत मज़ा आया, पर जब मैंने खरीदा मतलब 500 रुपये पे या 550 रुपये पे, उसके बाद ये स्टॉक कहीं पे जा ही नहीं रहा है और एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप लोगों को अभी ये स्टॉक को क्या करना है ना, जब भी ये स्टॉक ने मतलब अच्छा खासा रैली दिया मतलब 360 से लेके 530 तक के टाइम पे, तो ये टाइम पे आपको खरीदना नहीं है। ये टाइम पे आप लोगों को ये ऐसे सारे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि जब ये स्टॉक वापस से 490 या 530 से वापस से ये स्टॉक 700 या 800 रुपया होगा, वो रैली आपको मिले उस चीज़ के लिए। ज़्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं कि जब वो स्टॉक 530 होता है ना, ये टाइम पे यहाँ पे कहीं पे हम लोग खरीद लेते हैं। अभी आप लोग ये चार्ट देखोगे तो बोलोगे अरे वाह विजय भाई, ये तो एक फ्लैग पैटर्न जैसा हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया शायद इसलिए आपको पता चला, पर ऐसे स्टॉक को हम लोगों को कैसे ढूंढना चाहिए और कैसे हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अभी ये टाटा मोटर में मेरा ट्रेड प्लान क्या है, मैं आप लोगों को एक जस्ट नॉर्मल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मुझे बाय करना है, अदरवाइज दूसरा सिंपल लॉजिक है कि टाटा मोटर ये लेवल मतलब 511 लेवल को बहुत टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा था, जब ये टाटा मोटर ब्रेक करेगा ना तो मैं ये लेवल जो यहाँ पे बेस लेवल है, ये लेवल के स्टॉप लॉस से मैं टाटा मोटर को बाय करके मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए या फिर हमारे नेक्स्ट रैली के लिए इसको ओपन कर दूंगा अपने अकाउंट में पोजिशन। तो अभी ये स्टॉक तो एक एग्जाम्पल है, अभी मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। अभी देखो, एक ऐप है स्टॉकेज करके, आप लोगों को सबको पता होगा। अभी ये ऐप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जो आपको विवेक जी फ्री में दे रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप जाके स्टॉकेज ऐप खरीदो या फिर आप स्टॉकेज ऐप को इंस्टॉल करो। देखो, जो चीज़ फ्री में मिल रही है और अच्छी है तो उसके बारे में हम लोगों को बताना चाहिए, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कोई भी ये ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अच्छी चीज़ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, स्टॉकेज ऐप में ना एक ऑप्शन है स्कैन का, आप लोगों को स्कैन में जाना है।
उसके बाद आप लोगों को प्राइस स्कैन में जाना है। प्राइस स्कैन में जाने के बाद आप लोगों को 52 वीक ब्रेकआउट वाले जो स्कैन है उसमें जाना है। अभी यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मुझे जो स्टॉक 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं ना, उस पर मुझे ध्यान देना है। अब क्यों ध्यान देना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 52 वीक का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक साल। अब एक साल के हाई के पास अगर वो स्टॉक चल रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि स्टॉक में बायर्स अभी जो है वो स्ट्रांग है, मतलब स्टॉक अभी अपने बायर्स के कंट्रोल में है। तो अगर मार्केट में समझो मार्केट 5% या 6% या 10% भी मार्केट करेक्ट करता है, तो शायद ये स्टॉक जो है वो 15% या 20% करेक्ट कर सकते हैं। बट जरा सा भी मार्केट में रिवर्सल आता है, जरा सा भी मार्केट में बुलिश मतलब मोड आ जाता है या मार्केट थोड़ा भी रिवर्स हो जाएगा, तो सबसे पहले जो ये स्टॉक है जिन्होंने कुछ दिन पहले 52 वीक हाई ब्रेक किए थे, ये सारे स्टॉक चलने वाले हैं। तो अभी देखो आप लोगों को 52 वीक हाई जो क्रॉस कर रहा है वो स्टॉक को नहीं देखना है, आप लोगों को ये देखना है क्लोज विद इन 52 वीक हाई सोन। अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास इतने सारे स्टॉक आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीजी पावर है, एंड्यूरेंस है, फिर टाटा टेली सर्विस है, फिर ऑल कार्गो है, अभी आशी इंडिया ग्लास आप लोगों को पता ही होगा, हमारे एक वीडियो में हमने संडे वाले वीडियो में इसको कवर किया था, उसके बाद लार्सन इन चोब्रो है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, लार्सन का चार्ट लगा के देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या ये स्टॉक में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी एक अच्छी रैली के बाद। तो अभी देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले जो इसमें मैंने पहले जो एनालिसिस किया था वो हटा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लार्सन एंड टोब्रो ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। अब ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बट आप यहाँ पे देखो जब मार्केट गिरा, मतलब रिसेंटली मार्केट गिरा, तो लार्सन में भी अच्छा खासा करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद लार्सन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 7-7.5% गिर गया था। बट अभी यही चांस होता है जब मार्केट गिरता है और 52 वीक हाई वाले स्टॉक भी गिरते हैं, अगर मार्केट 5% गिरेगा तो ये 10-15% गिरेगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक में एक आपका अच्छा एक स्विंग ट्रेड बन सकता था अगर आपने ऑलरेडी ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा रहता और यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई होती। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ऑलमोस्ट लार्सन अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आया था, तो आप लोगों को एक यहाँ पे अच्छा बाय मिलता, और अगर आप ये लेवल्स के आसपास कहीं पे बाय करते तो अभी रिसेंटली लार्सन ने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई मारा, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 10% का एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता, तो ये एक आपका अच्छा स्विंग ट्रेड हो जाता था। उसके बाद मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने खुद पर्सनली देखा भी था और किया भी था। अभी ये जो स्टॉक है ये UBL का है। अभी UBL भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिनों पहले मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर किया था। अभी UBL के भी चार्ट में आप अगर देखो यहाँ पे UBL ने अपने 2018 वाले लेवल को ब्रेक किया था यहाँ पे। अभी देखो अगर आपने किसी स्टॉक में ब्रेकआउट मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, पर जब भी UBL में करेक्शन आया, जब मार्केट गिरा तो ऑब्वियसली UBL भी गिरेगा, और UBL में जब भी करेक्शन आया तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट के हिसाब से UBL में भी ऑलमोस्ट 10.5% का करेक्शन आ गया था। अभी ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अभी इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो UBL को एक रेजिस्टेंस था पहले, जो अभी एज अ सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो दिस वॉज द राइट लेवल टू एंटर इन द UBL। तो ये मैं आप लोगों को अभी क्या बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे वीक मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक की वॉचलिस्ट बनानी है। और ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सन टीवी का भी है, TVS मोटर जो हम लोग ने अभी अपने रिसेंट लास्ट संडे वाले वीडियो में शेयर किया था, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज इंडस्ट्री। अभी आप गोदरेज इंडस्ट्री का भी चार्ट लगा के देख लो, अगर ऐसे सारे स्टॉक में आप लोगों को 15% से लेके 20% का करेक्शन मिलता है तो ये ही सारा अच्छा टाइम होता है एक स्टॉक में कंसोलिडेट करने का। अभी गोदरेज इंडस्ट्री को भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, पर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जब भी वो रेजिस्टेंस के पास आता था, मतलब जो अभी उसका सपोर्ट बन गया है, तो उसमें एक अच्छी रिवर्सल हम लोगों को देखने मिलती थी। तो यही एक टेक्निक है कि आप लोगों को क्या करना है। नॉर्मली आपको ये स्कैनर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को स्टॉकेज में से ही निकालना है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे फ्री स्कैनर है, पर स्टॉकेज में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई स्टॉकेज में जाना है, 52 वीक प्राइस वाले स्कैन में जाना है और 52 वीक जोन के विद इन जोन वाले पार्ट में जाना है। अभी यहाँ पे जो स्टॉक आप लोगों को दिखेगा ना, वो ऐसे है कि भाई वो स्टॉक ने 52 वीक हाई तो मार लिया था, बट अपने 52 वीक हाई के 15 या 20% जोन के आसपास वो ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 52 वीक हाई से
15% या 20% डाउन साइड में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारे स्टॉक में हम लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज जब भी कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई मारता है और मार्केट समझो गिरा, तो ये स्टॉक में भी इम्पैक्ट्स आते ही है। और जैसे वो स्टॉक आप लोगों को 15% से लेके 20% या 10% के आसपास नीचे मिलते हैं, तो दैट इज़ द राइट टाइम एंड दैट इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत सेटअप आप लोगों को बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को टाटा मोटर में और लार्सन एंड टोब्रो में बताया था, तो ऐसे सारे सेटअप्स बना के आप ये स्टॉक को खरीद सकते हो। तो ये थी मेरी वो टेक्निक जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैसे आप वीक मार्केट में भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढ सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक और ऐसे ही प्राइस एक्शन के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी वर्कशॉप में बताता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो आप, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी दिसंबर मंथ में हमारा जो वर्कशॉप है वो मुंबई और अहमदाबाद में आने वाला है। तो अगर आप लोगों को दिसंबर मंथ में वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो आप मुंबई और अहमदाबाद से हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पूरी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और आप भी ऐसे अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए जिससे जब भी मार्केट गिरेगा तो आप लोग स्ट्रांग स्टॉक में अपनी एक पोजीशन बना सकते हो एक स्विंग ट्रेड के लिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बराबर था, बराबर हो रहा है ना? चालू रहने दे, रेडी।